स्वागत है दोस्तों आपका हमारे चैनल पर। और मैं आपके लिए लाया हूँ भौतिक विज्ञान के ऐसे प्रश्न जो आपके पॉलिटेक्निक प्रवेश परीक्षा में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हो सकते हैं। तो ये पॉलिटेक्निक परीक्षा यूपी बोर्ड की हो या फिर बिहार बोर्ड की हो, दोनों की दोनों में ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकते हैं। तो आप लोग ऐसा करेंगे कि आप लोग एक साइड कॉपी ले लेंगे और उसमें 1 से ले कर 20 तक गिनती लिख लेंगे। 1, 2, 3, 4 ऐसे करके 1 से 20 तक गिनती लिख लेंगे। और जैसे जैसे मैं क्वेश्चंस को कराते जाऊंगा वैसे वैसे आप मुझे ये बताते, मतलब वो क्वेश्चन जो है वो आपने टिक करते रहेंगे कि पहले क्वेश्चंस का कौन ऑप्शन सही था, दूसरे क्वेश्चन का कौन ऑप्शन सही था। ऐसे ऐसे करते करते 20 क्वेश्चंस का आप सही टिक करेंगे या फिर जैसा आपको आएगा वैसा टिक करेंगे। और जब वीडियो ख़त्म हो जाएगी तो मुझे कमेंट सेक्शन में ये बताएंगे आप लोग कि आपने 20 क्वेश्चंस में से कितने क्वेश्चंस को आपने सही टिक मार्क किया था। तो उससे हम लोग को ये पता चलेगा कि आप लोगों की तैयारी जो है वो कैसी चल रही है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियम का प्रतिपादन किसने किया था, न्यूटन, गैलीलियो, कापरनिकर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा वो न्यूटन ने किया था। पास्कल इकाई है वर्षा की, दाब की, आर्द्रता की, तापमान की। तो ये सब जो है ये बहुत ही पुराने क्वेश्चन है भाई। देखिए इन सबों को अगर आप लोग गलत करते हैं तो जान लीजिए कि ये बहुत ही मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। तो पास्कल जो है वो इकाई है किसकी, दाब की इकाई है। अगला क्वेश्चन है कि क्यूसेक से क्या मापा जाता है, जल की गहराई, जल का बहाव, जल की मात्रा या फिर जल की शुद्धता। तो ऑप्शन जो होगा सही होगा ख वाला ऑप्शन की जल का बहाव। जो क्यूसेक से मापा जाता है वो जल का बहाव मापा जाता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सबसे अधिक प्रत्यास्थ है, गीली मिट्टी, प्लास्टिक, रबड़ या फिर स्टील। तो ऑप्शन जो सही होगा कि घ वाला स्टील, ठीक। अगला क्वेश्चन, वह कौन सा बल है जिसके कारण पिंड धरती के केंद्र की ओर खींचे चले आते हैं, द्रव्यमान, आवेगी बल, गुरुत्वाकर्षण या फिर संवेग। तो ऑप्शन जो सही होगा घ वाला सही होगा कि गुरुत्वाकर्षण। ऑप्शन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेते हैं कि पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण का कितना भाग चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण के सबसे नज़दीक है, 1/2, 1/4, 1/5 या फिर 1/6। तो ऑप्शन जो सही होगा कि 1/6 भाग। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि आर्किमिडीज का नियम निम्नलिखित में से किससे संबंधित है, गुरुत्वाकर्षण का नियम, प्लवन का नियम, समकोण त्रिभुज का नियम या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो ख वाला प्लवन का नियम से संबंधित है। अगला क्वेश्चन कि श्यानता की इकाई है प्वाइज, प्वाइज जूली या फिर पास्कल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो श्यानता जो होती है उसकी इकाई होती है प्वाइज, याद रखेंगे इसको प्वाइज। अगला क्वेश्चन, दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है, घर्षण बल, अभिकेंद्रीय बल या फिर अपकेंद्रीय बल या फिर इनमें से कोई नहीं। तो जो दूध से जब हम लोग क्रीम निकालते हैं तो उसमें क्या होता है, जो ऐसे गोल सा होता है और जो क्रीम होता है वो किनारे किनारे निकल जाता है और बीच में से ऐसे मट्ठे की तरह घूमता रहता है। तो होता यह है कि जब केंद्र से बाहर की तरफ बल लगता है तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय बल, और जब केंद्र की ओर बल लगता है तो वो बोलते हैं अभिकेंद्रीय बल, मतलब कि केंद्र की ओर। तो ऑप्शन जो सही होगा कि ग वाला ऑप्शन सही होगा कि अपकेंद्रीय बल लगता है। दूध से क्रीम निकलता है किसमें, किससे कौन सा बल लगता है, अपकेंद्रीय बल लगता है। चाबी भरी घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है, गतिज ऊर्जा, स्थितिज ऊर्जा, संचित ऊर्जा या फिर यांत्रिक ऊर्जा। तो ऑप्शन सही होगा गतिज ऊर्जा, सॉरी ऑप्शन सही होगा ख वाला की स्थितिज ऊर्जा। ऑप्शन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, जल में तैरना न्यूटन की गति के किस नियम के कारण संभव है, प्रथम नियम, द्वितीय नियम, तृतीय नियम या फिर ये सभी। तो ऑप्शन ग वाला सही होगा कि तृतीय नियम, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, आयतन, वेग, विस्थापन या फिर बल। तो ऑप्शन जो होगा क वाला सही होगा कि आयतन, मतलब कि निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश नहीं है, आयतन जो है वो सदिश नहीं है, बाकी सब ये सदिश है, ठीक है। ऑप्शन देख लेते हैं। अच्छा देखिए एक बात और है कि आप लोगों को अगर पॉलिटेक्निक का पूरा कोर्स अगर आप लोगों को पढ़ना है तो आप लोग इस नंबर पे हमें कॉल कर सकते हैं, या फिर अगर कॉल करने में सक्षम नहीं है आप लोग तो इस नंबर पे व्हाट्सअप बनाएं और इस व्हाट्सअप पे हमको POLY लिखकर व्हाट्सअप मैसेज कर सकते हैं। अगर हम लोग खाली होंगे तो आप लोगों को कॉल कर सकते हैं। देख लेते हैं हम लोग अपना अगला क्वेश्चन है कि एंगस्ट्रॉम क्या मापता है, जो एंगस्ट्रॉम होता है वो किस चीज़ को मापता है, आवर्तकाल, तरंग दैर्ध्य, आवृत्ति या फिर समय। तो ऑप्शन जैसे होगा कि एंगस्ट्रॉम जो मापता है वो होता है तरंग दैर्ध्य को मापता है। किस वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, केल्विन, सेल्सियस, जूल या फिर डेवी। तो ऑप्शन जो सही है वो है घ वाला की डेवी जो थे उन्होंने बर्फ के 2 टुकड़ों को आपस में घिसकर पिघला दिया था, डेवी। अगला क्वेश्चन,
लोहे की सुई पानी की सतह पर तैरती है, इस परिघटना का कारण क्या है? श्यानता, गुरुत्वीय त्वरण, पृष्ठ तनाव या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन जो होगा गवाल से होगा कि पृष्ठ तनाव। पृष्ठ तनाव जो होता है वह लोहे की पृष्ठ तनाव के कारण जो लोहे की सुई होती है वह पानी की सतह पर तैरती रहती है। क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किस द्रव का घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है? मरकरी, पेट्रोल, स्वच्छ जल या फिर नमकीन जल। तो ऑप्शन है पेट्रोल। पेट्रोल जो होता है इसका द्रव घनत्व जो होता है वो सबसे कम होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक हार्स पावर कितने वाट के बराबर होता है? देखिए यहाँ पे बहुत ही कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है कभी कभी, जब यहाँ पे वाट की जगह वोल्ट दे देता है या फिर जब यहाँ का मात्रक इकाई जो है वो चेंज कर देता है, तब वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन हो जाता है। वरना वैसे तो सबको पता रहता है कि एक हार्स पावर में 746 वाट होते हैं, लेकिन जब कभी यहाँ पे इकाई या फिर मात्रक जब चेंज कर देता है तब वहाँ पे दिक्कतें आ जाती है। तो आप लोग कन्फर्म हो जाएंगे कि आप लोग क्या है कि 746 वाट ही है, ना कि जूल, ना कि वोल्ट मीटर, ऐसा कुछ नहीं है। देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। बर्नौली प्रमेय आधारित है, संवेग संरक्षण पर, आवेश संरक्षण पर, ऊर्जा संरक्षण पर या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन ग वाला ऊर्जा संरक्षण पर। जो बर्नौली का प्रमेय है किस पर आधारित है? ऊर्जा के संरक्षण नियम पर। बर्फ पर दाब बढ़ने से उसका गलनांक क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा, शून्य हो जाएगा, बढ़ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो ऑप्शन होगा सही घ वाला कि घट जाएगा। अगला क्वेश्चन जो कि हमारा इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन होगा, किसी मनुष्य के शरीर का तापक्रम कितना होता है? सामान्य तापक्रम पूछ रहा है, सामान्य तापक्रम कितना होता है? ये देखिए यहाँ पे डिग्री दिया है, यानी कि डिग्री में बताना है। तो ऑप्शन जो सही होगा वो होगा क वाला ऑप्शन सही होगा कि 98 डिग्री फॉरेन हाइट जो होता है, ये फॉरेन हाइट का टेम्परेचर है। फॉरेन हाइट में 98 डिग्री होता है, और अगर सेल्सियस में पूछा है तो 37 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, तो ये हैं हमारे भौतिक विज्ञान के 20 क्वेश्चन जो आपके परीक्षा में आ सकते हैं, महत्वपूर्ण हो सकते हैं। वैसे तो कोई भी क्वेश्चन पे ये नहीं होता है कि मैं आपके एग्ज़ाम में आऊँगा या फिर मैं आपके एग्ज़ाम में नहीं आऊँगा। तो आप लोग किसी भी क्वेश्चन को स्किप मत करिएगा और सभी क्वेश्चन का रिवाइज करते रहिएगा, और बने रहिए हम लोग के साथ। हम लोग आपके साथ ऐसे ही वीडियो शेयर करते रहेंगे। मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।